इंसान की तकदीर में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रोजी को लिख दिया है और जब तक वो रोजी अपनी मुकम्मल हासिल नहीं कर लेता उस पर मौत भी वाके नहीं होगी। सही तरतीब और तरहीब के अंदर हदीस नंबर 1702 में और इसी तरह से असिलसिला सहीहा में अल्लाह बारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तमूतु नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। कोई इंसान उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी रोजी को मुकम्मल पा ना ले। जितनी रोजी अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिख रखी है जब तक वो उतना हासिल नहीं कर लेता उस पर मौत नहीं आ सकती। जब ये बात तय, जब ये बात मुकर्रर है, ये बात जब लिखी जा चुकी है कि हर एक का रिस्क मुकर्रर है, हर एक कितना कमाएगा कितना खाएगा अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तकदीर में लिख रखा है, तो फिर रिस्क को हलाल और जायज तरीकों से हासिल करना चाहिए। हराम और नाजायज जितने भी तरीके हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। क्यों? अगर हराम तरीके से आपने कोई माल हासिल किया है तो याद रखें आपके उस माल से ना तो सदका कबूल होगा और ना ही उस माल की वजह से आपकी इबादत कबूल होगी। क्यों? इस बुनियाद पर कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक ही चीजों को कबूल फरमाता है।